हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेशूज मैजिक। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नाश्ता की रेसिपी बताऊंगी। इस रेसिपी का नाम है खमन ढोकला। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बेसन के ढोकले का रेसिपी बताऊंगी, जो कि नाश्ता के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए जानते हैं इस रेसिपी को। ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप बेसन, 2.5 चम्मच दही, 1.5 चम्मच सूजी, तेल, नमक आप चाहे तो स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लिया है और चीनी 1 चम्मच लिया है। चीनी ऑप्शनल है, तड़के के वक्त भी हम इस्तेमाल करेंगे चीनी। पानी, हल्दी 1/2 चम्मच, 1.5 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 चम्मच हींग, 1.5 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। तो चलिए अब हम ग्रिट्स घोलना शुरू करते हैं। ये मैंने एक बोल ले लिया, इसमें मैं बेसन, सूजी, हींग और नमक और चीनी डालूंगी और हल्दी 1/2 चम्मच डालकर इसे अच्छे से मिला लूंगी। अब हम इसमें दही डालेंगे और ये हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बाद में डालेंगे। इसे हम अच्छे से घोल लेंगे और धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका एक अच्छा सा ग्रिट्स बना लेंगे। पानी हमें धीरे धीरे डालना है ताकि लम्स ना बने। अब हम इसमें अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। अदरक और मिर्ची का पेस्ट से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ढोकला में। नींबू का रस, इसमें खट्टा, मीठा, तीखा तीनों फ्लेवर आता है जो कि ढोकले का टेस्ट को बढ़ा देता है। 1/2 चम्मच तेल डाला है मैंने अभी, इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। मैंने इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से मिलाया था। अब हम इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। तो अब 15 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें ये मिलाएंगे। लेकिन इससे पहले हम जिसमें हम स्टीम करेंगे उसे हम ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरा का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो एल्यूमिनियम का मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, देखिए। अब हम इसमें अपना ढोकले का ग्रिट्स डालेंगे। तो ये मैं पहले इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिला लेती हूँ और इसे हमें अच्छे से चला लेना है। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दही के साथ रिएक्ट करके ये फर्मेंट होना शुरू हो गया, ये देखिए, जो कि बहुत ही जरूरी है फर्मेंट होना। तो अब हम इसे जिसमें हम स्टीम करेंगे उसमें हम डाल लेंगे जो कि हमने पहले से ग्रीस करके रखा है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करना शुरू करते हैं। तो ये मैंने इडली स्टैंड में स्टीम करूंगी मैं, तो जिसे मैंने पहले से ही पानी 1.5 कप जैसा अब डालकर बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो कुकर या फिर कढ़ाई में भी पानी डालकर इस तरह से स्टैंड को अंदर डालकर उसके ऊपर रखकर स्टीम कर सकते हैं। इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ कटोरा और इसे हमें अभी 12 से 15 मिनट अच्छे से स्टीम कर लेना है और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रहेगा। तो अब हम 15 मिनट बाद मिलते हैं। जब तक हमारा ये ढोकला स्टीम हो रहा है तब तक हम जानते हैं कि हमें तड़के के लिए क्या क्या चाहिए। तड़के के लिए हमें 4 से 5 हरी मिर्च बीच से कटी हुई, 1.5 चम्मच बारीक सरसों, कुछ करी पत्ते, 1/4 चम्मच हींग, 1.5 से 2 चम्मच नींबू का रस, 1.5 चम्मच चीनी, तेल और थोड़ा सा पानी। तो चलिए हम देख लेते हैं अब हमारा ढोकला बनके तैयार है कि नहीं। तो देखिए ये अच्छे से फूल चुका है बिल्कुल। अब हम इसमें चाकू डालकर चेक कर लेंगे, देखिए क्लीन ही आया है। तो हमारा इसका मतलब हमारा ढोकला बनके तैयार है। अब हम इसे चिमटे की मदद से बाहर निकाल लेंगे। तो मैं अब गैस बंद कर देती हूँ और चिमटे की मदद से इसे निकाल लेती हूँ।
तो चलिए हम तड़का लगा लेते हैं। तो ये मैंने पैन को चढ़ा के गैस को कम रखा है और हम इसमें 2 चम्मच से 2.5 चम्मच तेल डालेंगे। गर्म होने पे हम इसमें सरसों डालेंगे, हींग डालेंगे, अच्छे से क्रैकल होने देना है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। क्योंकि काफ़ी छींटे पड़ती है इसलिए मैं एक छोटा सा प्लेट उसके ऊपर रख रही हूँ ताकि छींटे कैमरा पे और हमारे ऊपर ना पड़े। अब हम इसमें करी पत्ता भी डाल के ढक देंगे जल्दी से, तो हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जो कि ढोकला के ऊपर डलेगा। और चीनी डाल देंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। और नींबू का रस भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ढोकला के लिए तड़का बनके तैयार है। तो चलिए ढोकले की तरफ। तो ये अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसे चाकू की मदद से साइड से खाली कर लेंगे। और इस तरह से हम एक प्लेट में इस तरह से उल्टा कर देंगे और हल्का ऊपर से टैप करेंगे। तो ये देखिए, हमारा ढोकला अब निकल चुका है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम एक और प्लेट लेंगे और इसे फिर इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट बना है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम इसके ऊपर तड़का डालते हैं। तो ये मैं तड़के का जो हमने तैयार किया था इसे हम अच्छे से फैला देंगे। ये जो तड़का में जो हमने पानी डाला है ये सारा पानी ढोकला सोखते जाएगा और इसका फ्लेवर अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल खट्टा, मीठा, तीखा तीनों का फ्लेवर आपको मिलेगा ढोकला में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी जो हमने ये है इसे मैं बचा के रखूँगी, जब हम सर्व करेंगे तब हम उसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से डालते हुए देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ढोकला बन के तैयार है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे थोड़ा चाकू से भी काट लेंगे और छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो ये मैं एक चाकू से इसे हल्के हल्के काट लेती हूँ। देखिए, अब हम इसे बीच से भी काट लेंगे। ये देखिए कितना फ्लफी बना है, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी। तो इस तरह से हम अपने पूरे ढोकले को काट लेंगे। हमें सर्व तो काट के ही करना होता है इसलिए हम यहाँ पे काट ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने टमाटो सॉस के साथ इसे सर्व किया है। इसमें मैं अब ऊपर में थोड़ा थोड़ा घिसा हुआ नारियल डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप नारियल नहीं डालना चाहें तो भी ये अच्छा लगेगा। ये मैंने नारियल डाल दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ढोकला बनके तैयार है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। नाश्ता के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।